नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाई सेट 6 का न्यू वीडियो। ऑलरेडी मैं 6 एपिसोड यहां पे अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज देखने वाले हैं यहां पर सिग्नल्स एंड स्लॉट्स के बारे में। तो ये कहां से टॉपिक आ रहा है, तो इससे पहले हम लोग गेटिंग स्टार्टेड में कवर कर चुके हैं सभी टॉपिक्स को, और बेसिक पाई सेट 6 फीचर्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सिग्नल्स एंड स्लॉट्स के बारे में। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सिग्नल्स एंड स्लॉट को समझते हैं। तो इन द वर्ल्ड ऑफ क्यूटी एंड कंसिक्वेंटली पाई सेट 6, क्यूटी बोले तो जो मेन रूप से C++ के लिए बना हुआ है, और हम लोग पाई सेट 6 पढ़ रहे हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग बनाते हैं GUI एप्लीकेशन। तो द सिग्नल्स एंड स्लॉट मैकेनिज्म इज अ पावरफुल कंसेप्ट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो सिग्नल एंड स्लॉट मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने डोरबेल प्रेस किया, राइट, तो बेल बजी घर के अंदर, आपको यहाँ पे सिर्फ बटन दिख रहा है, ठीक है ना। किस तरह से बेल बज रही हुई, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, आपको उसका कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ से सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इन क्यूटी, अलाउइंग फॉर अ लूज कपलिंग बिटवीन एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच में लूज कपलिंग यहाँ पे एनेबल करता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो दिस मीन्स डेट ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विथ वन अनदर विदाउट नीडिंग टू नो द इंटरनल वर्किंग ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से रिमोट से कुछ टीवी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप चैनल चेंज कर, वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से सिग्नल सिर्फ सेंड कर रहे हो और टीवी उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ना तो रिमोट को कोई आइडिया है कि हमारे इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या हो रहा होगा, ठीक है, और ना यहाँ पे टीवी को कोई आइडिया है कि वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, बस सिग्नल उसे मिल रहा है, उसके रिस्पॉन्स में कुछ वर्क वहाँ पे दिया गया है, वो परफॉर्म कर रहा है, दैट्स इट। This means that object can interact with one another, दोनों से interact तो कर रहे हैं, without needing to know the internal working of those objects, जिसे कोई भी idea नहीं है कि एक दूसरे के बारे में वो कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है, leading to highly modular and easily maintainable code, इससे क्या होगा, आप code highly modular बना सकते हो and easily maintainable बना सकते हो। इसका कहने का क्या मतलब है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे library management नाम का एक application है, ठीक है, इसके अंदर में कई सारे यहाँ पे मैं फोल्डर बना करके रखा हूँ, ठीक है, सबके अंदर अपने अपने मॉड्यूल्स हैं। जैसे मान लीजिए बुक ऐड करने के लिए अलग हो गया, लोन मैनेजमेंट के लिए यानी कोई बुक रेंट पे लिया होगा तो उसके लिए अलग हो गया UI, मेन विंडो के लिए अलग UI हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोलर्स नाम का अलग यहाँ पे फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग स्लॉट्स बना करके लिखे होंगे, यानी बुक कंट्रोलर नाम का एक होगा, फंक्शन होगा, उसके अंदर कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ टास्क लिखे होंगे, यानी हमारे UI से कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होंगे, यानी सब अलग अलग मॉड्यूल में सेपरेट जगह पे लिखा हुआ होगा, एक दूसरे से बिल्कुल भी डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे मॉड्यूलर में, जिसमें आपको हेल्प करेगा ये चीज, हाईली मॉड्यूलर एंड इजिली मेंटेनेबल कोड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स एंड स्लॉट। सिग्नल क्या है, तो अ सिग्नल इज इमिटेड व्हेन अ पार्टिकुलर इवेंट अकर, कोई भी इवेंट होगा उस समय सिग्नल वहाँ पे जनरेट होगा। क्यूटी विजिट्स हैव अ रेंज ऑफ प्रीडिफाइंड सिग्नल्स, यानी क्यूटी विजिट्स में कई सारे यहाँ पे प्रीडिफाइंड सिग्नल्स हैं, लेकिन बट यू कैन ऑल्सो सब क्लास क्रिएट योर वन, यानी आप अपना खुद का भी सिग्नल बना सकते हो, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अ सिग्नल डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इटसेल्फ, सिग्नल खुद से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक में किया, यानी इसके ऊपर हमने प्रेस किया, क्लिक किया, ठीक है, अगर डायरेक्ट एक बार क्लिक कर दिए लेफ्ट क्लिक तो क्लिक्ड हो जाएगा, प्रेस करके रखें तो प्रेस्ड होगा, राइट। तो इस तरह से कोई ना कोई यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कोई ना कोई सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन सिग्नल जनरेट, ये तो बटन तो सिग्नल जनरेट कर दिया, उससे इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं करने वाला है, बस इसने अपना सिग्नल जनरेट करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अ सिग्नल डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इटसेल्फ, इट मेयरली अनाउंस डेट समथिंग हैज अकर्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बटन विजिट माइट इमिट अ क्लिक्ड सिग्नल व्हेन इट इज प्रेस्ड, जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे क्लिक नाम का सिग्नल जनरेट हो सकता है, ठीक है, आप लगातार प्रेस किया वहां पे रखते हो क्लिक क्लियर होते हो तो प्रेस्ड में चला जाएगा, ठीक है। स्लॉट क्या करता है, तो अ स्लॉट इज अ फंक्शन डेट इज कॉल्ड इन रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर सिग्नल, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक नाम का सिग्नल जनरेट हुआ, या प्रेस्ड जनरेट हुआ, या रिलीज्ड जनरेट हुआ, तो इसके ऊपर में आपको ये पार्टिकुलर सिग्नल के ऊपर में ये रिस्पॉन्स देगा कौन, तो स्लॉट। स्लॉट है क्या, स्लॉट कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल पाइथन फंक्शन,
आप नॉर्मल पाइथन फंक्शन लिखते हो ना, उस तरह से आप यहाँ पे स्लॉट डिफाइन कर सकते हो। द ब्यूटी ऑफ यूजिंग स्लॉट इज दैट दे अलाउ फॉर रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ क्यूटी एप्लीकेशन। यानी अगर आपका एक क्यूटी एप्लीकेशन है तो किसी भी पार्ट से अगर कोई भी सिग्नल जनरेट हुआ तो आप उसके रिस्पॉन्ड में वर्क करवा सकते हो स्लॉट से। द ब्यूटी ऑफ यूजिंग स्लॉट इज दैट दे अलाउ फॉर अ रिस्पॉन्स, यानी पूरे एप्लीकेशन में कहीं से भी कोई सिग्नल जनरेट होगा तो उसको के लिए वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, कनेक्टिंग सिग्नल्स टू स्लॉट। अब हम लोग देखते हैं किसी सिग्नल को स्लॉट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो द कोर आइडिया इज टू कनेक्ट अ सिग्नल टू अ स्लॉट फंक्शन व्हेन द सिग्नल इज इमिटेड। जैसे इस बटन के केस में क्लिक नाम का सिग्नल यहाँ पे इमिट होगा, द स्लॉट फंक्शन इज कॉल्ड, स्लॉट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। हियर इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग अ सिग्नल टू अ स्लॉट फंक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक्ड नाम का सिग्नल जनरेट, उस सिग्नल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किसे, सेल्फ डॉट ऑन बटन क्लिक्ड। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, इस मेथड को हमने कनेक्ट कर दिया। इन दिस एग्जाम्पल क्लिक्ड इज द सिग्नल डैट इज इमिटेड व्हेन द बटन इज प्रेस्ड एंड ऑन बटन क्लिक्ड इज द स्लॉट फंक्शन डैट विल बी कॉल्ड इन रिस्पॉन्स। ऑन बटन क्लिक्ड क्या है, एक स्लॉट फंक्शन है। ठीक है ना, जैसे ही क्लिक होगा तो उसके ऊपर ये स्लॉट फंक्शन हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट है तो उसे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, क्रिएटिंग कस्टम सिग्नल्स। पाइसेट 6 अलाउ यू टू डिफाइन योर वन सिग्नल। कस्टम सिग्नल कैन बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिंग स्पेसिफिक इवेंट्स फ्रॉम योर ऑब्जेक्ट्स टू अदर पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशंस। टू डिफाइन अ कस्टम सिग्नल यू डिक्लेयर इट एज अ क्लास एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास डेट इनहेरिट फ्रॉम क्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये सब करते हैं, इसके बारे में अभी रहने देता हूँ मैं। ठीक है ना, बाद में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो रहा है, इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, आपको पढ़ना होगा तो ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिग्नल्स एंड स्लॉट्स। एडवांटेज क्या है सिग्नल एंड स्लॉट्स का, तो सबसे पहला पॉइंट है डीकपलिंग। द सेंडर ऑफ अ सिग्नल, यहाँ पे देखिए कि द सेंडर ऑफ अ सिग्नल डज नॉट नीड टू नो विच स्लॉट रिसीव्स द सिग्नल। द सेंडर ऑफ अ सिग्नल डज नॉट नीड टू नो विच स्लॉट रिसीव द सिग्नल। इसका कहने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी गाड़ी के बारे में कब आ रही है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है, और यहाँ पे कई सारे लोग हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, इंपॉर्टेंट सिग्नल हो, तो उसके ऊपर वो रिएक्ट करेगा उसके, राइट। तो जो सेंड कर रहा है उसे तो कोई भी आइडिया नहीं है कि हम किसके लिए पार्टिकुलर सेंड कर रहे हैं सिग्नल, राइट। तो द सेंडर ऑफ सिग्नल डज नॉट नीड टू नो विच स्लॉट रिसीव द सिग्नल, बिल्कुल भी वहां पे लिंक्ड नहीं रहेगा किसके लिए हमें उसे सेंड करना है, बस वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है किस सिग्नल को रिसीव करना चाहता है। तो जैसे जिसके गाड़ी के बारे में अभी अनाउंस किया जा रहा होगा वो सिग्नल को रिसीव कर लेगा और अपने अनुसार उस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, जिस भी पे जाना होगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो दिस डीकपलिंग अलाउ यू टू कनेक्ट एंड सिग्नल्स एंड स्लॉट एज नीडेड डायनेमिकली। तो डायनेमिकली आप वहां पे कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीकपलिंग क्या है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा ईज ऑफ यूज। कनेक्टिंग सिग्नल्स एंड स्लॉट्स इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, तो ये सब तो बहुत इजी पॉइंट है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सिंस स्लॉट्स आर जस्ट फंक्शन दे कैन डू एनीथिंग यू कैन डू इन पाइथन। ठीक है ना, स्लॉट क्या है, एक फंक्शन है, तो पाइथन में आप जितना भी चीज कर सकते हैं वो सारा चीज उसके अंदर में करना पॉसिबल होगा। दिस इंक्लूड्स कॉलिंग अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, मैनिपुलेटिंग डाटा और इवन इमिटिंग अदर्स, दूसरे सिग्नल भी कर सकते हैं, यानी एक काम करने के बाद दूसरा काम वहाँ पे परफॉर्म हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है ना, दूसरे सिग्नल को जनरेट कर दें, उस सिग्नल को रिसीव करने वाला फिर कोई और सिग्नल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। उसके बाद क्या है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। सिग्नल्स कैन बी कनेक्टेड टू स्लॉट्स इन सच अ वे दैट द स्लॉट इज executed either directly, that means synchronously, or posted to the event loop for later execution, that is asynchronously, providing flexibility in how response are handled. देखिए ये सब पॉइंट है ना, इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर जब कोड करेंगे ना तो उसके ऊपर एग्जांपल समझा दूंगा, तो वो कैसे काम करता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एडवांस सिग्नल हैंडलिंग। इसके लिए भी कई सारे पॉइंट है यहाँ पे, जैसे पाइसेट 6 also support more complex signal slot connection including connect one signal to multiple slot, यानी अगर एक सिग्नल होगा तो आप उसको मल्टीपल स्लॉट से कनेक्ट कर सकते।
सकते हैं। जैसे यहाँ अनाउंसमेंट आ रहा हो किसी ट्रेंड के बारे में, तो मल्टीपल लोगों के लिए हो सकता है, मल्टीपल स्लॉट्स के लिए हो सकता है, इसका मतलब ये समझिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कनेक्टिंग सिग्नल्स टू स्लॉट्स विथ एडिशनल आर्गूमेंट यूजिंग फंक टूल डॉट फारसील, इसका यूज करके हम लोग एडिशनल आर्गूमेंट का यूज कर सकते हैं। इस सब के बारे में रियल एग्जाम्पल बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी के लिए ये सभी पॉइंट याद रखना है आपको। ऑटोमेटिक डिसकनेक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड स्लॉट टू अवॉइड मेमोरी लीक इन लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन। सपोज कोई एप्लीकेशन लॉन्ग टाइम से रन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से डिस्कनेक्ट कर दे वापस से, उसके ऊपर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है, सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। दो टैब है हमारे पास, ठीक है, एक सपोज वाचलिस्ट का टैब है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग कोई भी डाटा फेच कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई और डाटा विंडो है जिस जो रियल टाइम में चल रहा होगा, ठीक है। इसमें सभी सिंबल का नाम है, उसका रियल टाइम डाटा फेच हो रहा है। जब इस टैब के ऊपर हैं हम लोग, तभी तो वो डाटा का हमारे लिए नीड है, ठीक है। अगर इस टैब के ऊपर हैं, अगर बैकग्राउंड में ये भी डाटा फेच हो रहा होगा, तो हमारे लिए वो काम का नहीं होगा। उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस सिग्नल को डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे काम करते रहेंगे, और जैसे ही फिर से वापस स्विच होकर के इस टैब के ऊपर आएंगे, तो फिर से डाटा रियल टाइम डाटा फेच होना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय हम लोग फिर से उस सिग्नल को कनेक्ट कर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, कभी कनेक्ट कर दें, कभी डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहां पे बना करके रखा हूं, लेट्स कनेक्ट अ बटन्स क्लिक्ड सिग्नल टू अ कस्टम स्लॉट दैट अपडेट्स अ लेवल्स टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल यहां से ट्राई करके देखिएगा, इसको रन करके देखिएगा। तो अब ये छोटा-छोटा चीज मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा, और इसका कोड मैं शेयर कर दूंगा अपने ब्लॉग के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी कोड इमेज के साथ मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको रीड कर लीजिएगा और अच्छे से। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस तरह से कई सारे वीडियोज आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।